guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share a shopping haul which I did for Diwali. And Diwali पे ये order deliver नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये haul share करती हूँ आपके साथ. And ये जो haul है, ये है home and kitchen shopping haul. जो सब सामान है वो Amazon से आया है और बहुत ही सॉलिड स्टडी है सामान, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑर्डर करी थी वो है ये कुशंस. तो अगर आप मेरे एक सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा आई लव ग्रीन कलर, बिकॉज मेरे पास एक ग्रीन कॉर्नर है, मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं. तो थोड़ा सा जैसे कि आप वॉल्स का कलर देख सकते हो, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है, तो उसके साथ ये कलर अच्छा लगेगा. इसलिए मैंने ये पैरेट कलर का के दो कुशंस मंगवाए हैं. तो ये सेट है, एक दो का सेट है कुशंस का. और ये अमेज़ॉन में एनकासा होम्स करके एक ब्रांड है, तो मैंने उनका सारा सामान है वहाँ से मंगवाया है. तो जो इनका प्राइस है इन दोनों कुशंस का वो है 595. तो दोनों का सेट है ये, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं. तो बेसिकली ये जो कुशंस हैं, आप एज अ चेयर कुशन यूज़ कर सकते हो, बैठने के लिए यूज़ कर सकते हो, एज अ बैक कुशन यूज़ कर सकते हो, फ्लोर कुशन यूज़ कर सकते हो. तो मैं इसको एज अ फ्लोर कुशन यूज़ करने वाली हूँ. और समटाइम्स अगर मुझे अच्छा लगा तो आई कैन कीप ऑन दीज सोफ़ाज, बिकॉज ये सोफ़ा कलर के साथ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो आई विल यूज़ दिस एज लाइक मल्टीपर्पज. तो ये है मेरा फर्स्ट बाय फ्रॉम अमेज़न. थिंग जो है वो है आयरन मैट, प्रेस कपड़े प्रेस करने के लिए ये आयरन मैट है. तो ये अगेन अमेज़ॉन से है, एनकासा होम्स ब्रांड का है ये. तो ये काफ़ी बड़ा एक आयरन मैट है जो आप अपने बेड पे, टेबल पे, डाइनिंग टेबल कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. इसकी अच्छी जो बात है वो है यहाँ पे सिलिकॉन रेस्ट बना हुआ है, जहाँ के पे आप अपने प्रेस, अपने आयरन को रख सकते हो. गर्म गर्म जब आप यूज़ करते हो, आप उसको किसी चीज़ पे नीचे रखने से बजाय यहाँ पे रख सकते हो. तो ये बहुत ही, जो इसका फैब्रिक है बहुत ही सॉलिड है. तो ये स्टैंड वाला नहीं है, अगर आपके पास आयरन का स्टैंड नहीं है तो आप इसको एज अ यू नो बेड पे रख के यूज़ कर सकते हो. तो काफ़ी साइज़ बड़ा है, कुर्ती वगैरह आपको कुछ भी इंडियन वेयर प्रेस करना है तो इस पर ईजिली वो आयरन हो जाएगा. तो इसका जो प्राइस है वो है 795, बट जो सारे लिंक्स है वो मैं ऐड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो. इसमें काफ़ी और कलर्स भी थे. नेक्स्ट थिंग जो मैंने मंगवाई है वो है ये कुशन कवर्स. तो ये सोफे के साथ का मटेरियल है काइंड ऑफ, और ये थोड़ा साइज बड़ा है तो मुझे इसको ऑर्डर करवाना पड़ेगा. तो ये है 329 रुपीज़ का कुशन कवर. काफ़ी स्टर्डी सॉलिड है, काफ़ी टाइम तक चलेगा. अगेन दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन और एनकासा होम्स का है ये. तो ये है मेरा थर्ड परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन. नेक्स्ट थिंग जो है वो है ये ह्यूज कुशन. तो आप इसको एज अ बैक कुशन अपने सोफ़ा पे, बेड पे, एज अ फ्लोर बेडिंग जैसे आप करते हो उसके बैक पे आप ये कुशन यूज़ कर सकते हो. देन अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये यूज़ कर सकते हो, योगा के लिए यूज़ कर सकते हो. मल्टीपर्पज़ है, प्लस ये दिखने में बहुत ही मुझे अच्छा लगा, प्रीटी लगा, डिफरेंट सा लगा है. तो इसमें दो साइड्स हैं, एक ये है ग्रे और दूसरा है ये फूशिया मजेंटा कलर. तो बहुत ही प्रीटी कलर लगे दोनों, एक सटल कलर है, एक डार्क कलर है. और जो जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ही सॉलिड, अच्छी क्वालिटी का है ये. और इसका जो प्राइस है वो है 998 रुपीज़. और जो इसकी डायमेंशंस है वो है 50 cm × 10 cm या. तो ये है इसकी डायमेंशंस, इसका लिंक मैं डाल दूंगी. अगेन दिस इज़ फ्रॉम एनकासा होम्स अमेज़ॉन. नेक्स्ट परचेज है फ्रॉम अमेज़ॉन इज दीज कर्टेंस. तो ये दो कर्टेंस मैंने मंगवाए हैं. ये जो कर्टेंस है इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है, प्लेन ये क्रीम है कॉटन कर्टेंस. और अभी रिसेंटली मैंने एक मेकओवर करा था, बेडरूम मेकअप, तो उसके लिए मैंने कर्टेंस अमेज़ॉन से मंगवाए थे. बट जो उसकी क्वालिटी थी कर्टेंस की वो बहुत ही लाइट क्वालिटी थी, थोड़े ट्रांसपेरेंट कर्टेंस थे, तो इसलिए मैंने ये अभी ये मंगवाए हैं. तो ये सॉलिड, बहुत ही सॉलिड इसका फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है. तो ये है 895 रुपीज़ का. और जो इसकी डायमेंशन है ये है 4 feet × 7 feet, ये है जो एक रेगुलर साइज़ होता है वो कर्टेंस के साइज़ का. तो ये है, ये अगेन है एनकासा होम से फ्रॉम अमेज़ॉन. सो ये था होम डेकोर का सामान. नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है किचन का सामान. तो ये मैंने एक व्लॉग में शेयर करा था, बट उसके बाद मैंने यूज़ करा थोड़े दिन, तो मैं आपको रिव्यू बताती हूँ कि ये कैसा है. तो सबसे पहले ये मैंने फ्रूट बास्केट और वेजिटेबल बास्केट मंगवाई है, जिसके प्राइस है 445 रुपीज़. ये एक बहुत ही अच्छी सॉलिड सी फ्रूट ट्रे, आप जिसको बोल सकते हैं बास्केट है. इसको आप सेंटर टेबल में फ्रूट्स रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो. तो ये मेरी फर्स्ट बाय है किचन के सेक्शन से अमेज़ॉन से. उसके बाद मैंने मंगवाया है ये पैन.
तो ये मैंने एक दो व्लॉग पहले दिवाली के व्लॉग में शेयर करा था क्योंकि तब ये आया था, बट ये जो है इसके बाद मैंने यूज़ करा, इसको हाई फ्लेम पे यूज़ करा, स्लो फ्लेम पे यूज़ करा, तो मुझे काफ़ी ये अच्छा लगा। जो इसका वेट है वो थोड़ा हैवी है और जो इसका बेस है वो भी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी थिक है। तो जैसे समटाइम्स क्या होता है कि आपकी कुकिंग आप करते हो जल जाता है, जब पैन ख़राब हो जाता है, बट ये बहुत सॉलिड है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड प्रेस्टीज और ये है 895 का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस स्मॉल जूस एक्सट्रैक्टर। आजकल हर कोई मशीन यूज़ करता है, जूसर ग्राइंडर्स यूज़ करता है, बट समटाइम्स यू नो लाइट नहीं होती या फिर आप इजी चाहते हो जो इजी क्लीन हो सके, तो उसके लिए मैंने मौसमी वगैरह के लिए जूस के लिए छोटा सा मंगवाया है। तो ये अच्छा है, 75 rupees का ये था, तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। तो ये था मेरा किचन एंड होम डेकोर का हॉल एंड आई रियली होप कि आपको ये हॉल अच्छा लगा होगा। बाकी सारे जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आई सी यू सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।